कब का है? आप यहाँ आते तो आप लेडीज से बदतमीजी कर रहे हो। अरे ये बैठे सब ये बदतमीजी लेडीज से नहीं की है तुमने। ये तो अपने बेटा भी रो रही कि मेरा बेटा दारू पीता है, ये भी बैठा है अभी मेरे आधा बेटा दारू पीता है, उसका मैटर अलग है। आपने क्या कहा है? क्या कहे थे? ताल चलानी है तो आपको लकड़ी देनी पड़ेगी। ताल चलानी है और लकड़ी देनी पड़ेगी। भैया आपको तनख्वाह नहीं मिलती है का? देख लेंगे। बताओ क्या देखोगे आप? नहीं नहीं बैठो 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 यहाँ बैठो बैठो। आपने जो बात कही है बैठो, बात कही थी अगर टाल चलानी है तो लकड़ी देनी पड़ेगी। हम कोतवाली से आए जगदीश से, मेरा नाम और यहाँ से वहाँ से सब मेरी ऐसे फ्री में लकड़ी जाती है वो सभी टालों पे से, और तुझे भी फ्री में देनी पड़ेगी। बैठो 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 आप बैठो। अरे दो मिनट बैठो साहब, एज ए रेस्पेक्ट पर्सन आप बैठो। हाँ बैठो, मैं रुतवा नहीं बना रहा, मैं रुतवा नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल रुतवा नहीं कर रहा। आपने किया, आपने आगे किया। हम तो यहाँ बेच रहे हैं, हमारी छोटी सी ताल है ये, चार पैसे हम कमा रहे हैं। आप बताओ, नहीं नहीं सरकार की, एक मिनट, सरकार की तरफ से कोई नया नियम निकला है क्या? हवाल तो तुम यूँ कह रहे ना कि कोतवाली से आए और तो देनी पड़ेगी, टाल चलानी है तो नहीं नहीं टाल चलानी है तो तू सास को डांटे ना। नहीं मेरा एसपी साहब हैदर अली जी से मैसेज है, ये पुलिस वाले आके यहाँ पर परेशान कर रहे हैं कि टाल चलानी है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे अन्यथा ये बंद हो जाएगी। तो साहब मेरे से आपसे निवेदन है कि आप ये क्लियर करें, और ये मैसेज मैं सोशल मीडिया पर छोड़ रहा हूं अभी, और अगर कल को मेरे परिवार के साथ पुलिस द्वारा कोतवाली द्वारा कोई भी अगर छोटी मोटी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार एसपी साहब आप होंगे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है इसके लिए मैं तुरंत एक्शन ले रहा हूं और एक एफआईआर भी दर्ज करा रहा हूं मैं।